और मोहब्बत की राजनीति कायम होगी। दूसरी चीज, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम के ऊपर और काम करने के स्टाइल के ऊपर एक तरह से बिहार के ये चुनाव के नतीजे एक तरह से रेफरेंडम है। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उनके उनका जो गरूर है, उनका जो अभिमान है, कांग्रेस को जो अभिमान 7-8 साल के राज के बाद हुआ था, ऐसा लगता है इस जोड़ी को वो अभिमान 1 साल के अंदर ही हो गया। जो उनकी डिक्टेटरशिप है, जो उनका गरूर है, इस चुनाव के नतीजों ने उस गरूर को तोड़ा है। लोगों ने यह संकेत दिया है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र के अंदर उनके मंत्रियों को काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी, बीजेपी के अंदर उनके अपने एमपी एमएलए कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार नाजायज और असंवैधानिक तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि वो बंद होगा। पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को, इतने भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार को, केंद्र सरकार बार बार असंवैधानिक तरीके से, रोज गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि अब बंद होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य राज्यों के अंदर भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप बंद होगा। 1.25 लाख करोड़ का या 1.5 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए अनाउंस करके आए थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो पैकेज जल्द से जल्द बिहार के विकास के लिए रिलीज किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने ये जो मैंडेट दिया है, ये भी साबित करता है कि देश के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार ठीक से चलाएं। केंद्र में इस वक्त सरकार का बुरा हाल हुआ पड़ा है। पूरे देश के अंदर दालों के दाम 200 रुपए टच करने लगे हैं, हर चीज के अंदर महंगाई होती जा रही है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब आने वाले महीनों में अपनी फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल करें और देश के अंदर थोड़े दिन रुक के इस देश को चलाएं, केंद्र सरकार को चलाएं और फॉरेन के अंदर घूमना बंद करें। दूसरा एक मैसेज ये भी है कि कुछ टीवी चैनलों के मालिकों को अपनी जेब में रख के अगर आप सोचे कि आप देश के चुनाव जीत जाएंगे, तो आप देश के चुनाव नहीं जीत सकते। इस देश की जनता बहुत सयानी है, वो देख रही है कि कुछ टीवी चैनलों के मालिक को जेब में रख लिया और ये टीवी चैनल वाले हमारा रात दिन हमारी आरती उतारेंगे, जनता को बताया कि कुछ चैनलों को खरीद रखा है, तो ये अब और नहीं चलने वाला। और एक और चीज, बीजेपी के अंदर जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह का स्टाइल था, उसको लेके बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा एक गुस्सा था और बीजेपी के अंदर के कई नेता और बीजेपी के अंदर के कई कार्यकर्ता चाहते थे कि बीजेपी बिहार के अंदर हारे, और बीजेपी के उन सभी नेताओं को और उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है। गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका है और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इसको और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। ये देश सबका है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, हमारे जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है,
आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए, क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी।